ईदगाह में पढ़ी गई बकरा ईद की नमाज भारी संख्या में नवाजी मस्जिद में रहे मौजूद। जिला प्रशासन द्वारा बकरा ईद की नमाज के लिए किए गए थे विशेष इंतजाम। शांतिपूर्ण तरीके से ईदगाह में अदा की गई नमाज। सपा सांसद एसटी हसन ने भी ईदगाह में पढ़ी नमाज। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद। गढ़शहीद इलाके की ईदगाह में पढ़ी गई नमाज। ईद के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तमाम ही मुरादाबाद के लोगों को और अपने पूरे मुल्क के लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद का त्यौहार, ख़ास तौर से ईद उल अज़हा का यह त्यौहार कुर्बानियों का त्यौहार है, सेक्रीफाइस का त्यौहार है। ये हमें तालीम देता है कि हम अल्लाह की राह में अपनी हर चीज़ कुर्बान कर सकते हैं। मेरी सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी लोगों के काम आए, ईसार का जज्बा रखें, कुर्बानी का जज्बा रखें, अपनी ज़िंदगी को प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ाएँ। आने वाले त्यौहार के लिए, कांवड़ यात्रा के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम सारे मज़हबों का एहतराम करते हैं और कांवड़ यात्रा का भी हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि ये भी साथ खैर के हमारे मुल्क में अच्छी तरह से संपन्न हो और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हमाहंगी से हर त्यौहार को मनाएं। मुरादाबाद प्रशासन के किस तरीके से इंतजाम थे नमाज को लेकर? बज़ाहिर बहुत अच्छे इंतजाम थे, किसी को कोई परेशानी नहीं। जबकि कल बारिश हुई थी और मैदान में काफ़ी पानी था, हमारे प्रशासन की हम शुक्रगुजार हैं। जहाँ अच्छा काम होता है उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। मुरादाबाद वासियों के लिए कोई मैसेज? मुरादाबाद वासियों के लिए मैं तो यही मैसेज दूंगा कि कुर्बानियों का त्यौहार है, कुर्बानियों को अपनी आम जिंदगी में भी शामिल करिए और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से तसादुम ना करें, इज्जत की लड़ाइयाँ ना लड़ें, सब प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ाएं अपनी ज़िंदगी को। और ये भी कहना चाहूँगा, कुर्बानी के गोश्त की बेअदबी ना करी जाए, उसको कूड़े पे या ज़्यादा ना फेंका जाए, उसको दफन कर दिया जाए और अपने गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा हक दिया जाए और उनके साथ खुशियाँ मनाएं।